हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य वाधवन। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर दैट वी वर कंटिन्यूइंग इशू ऑफ शेयर्स। तो आज हम इसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस समझेंगे। और हमारे पास यहाँ पर 12th क्लास से कुछ एक्स्ट्रा है आज नया सीखने को। और आज जो नया सीखने को है यहाँ पर वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। देखो, जब हमें शेयर होल्डर्स ने पैसे देने होते हैं तो जब उनका पैसा ड्यू हो जाता है बट वो दे नहीं पाते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कई बार कोई शेयर होल्डर फेल कर रहा था हमारे पास अलॉटमेंट मनी देने में, कोई फेल कर रहा था कॉल मनी देने में, तो वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम अभी तक कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते थे। बट अब हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलकर। वहां पर तो हम सिंपली दिखा देते थे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट या फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना पैसा मिल गया उतना दिखा देते थे, जो नहीं मिलता था वो नहीं दिखाते थे। अब जो पैसा हमें नहीं मिल रहा वो भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो जो पैसा नहीं मिल रहा वो हम किस नाम से दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाएंगे। कई बार क्या होता था हमारे पास, हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता था, जब भी हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसके लिए हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, मे बी अलॉटमेंट पर हमें कॉल मनी का पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, एडवांस में मिल जाए। तो हमें यहाँ पर ये दोनों अकाउंट्स खोलकर दिखाने पड़ेंगे, प्लस इनके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना और देना पड़ता है। तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर कॉल्स इन एरियर ये कब होता है, व्हेन द शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट। जब शेयर होल्डर फेल कर जाता है कॉल मनी देने में या फिर अलॉटमेंट मनी देने में, तब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब खुलता है, यह खुलता है व्हेन द शेयर होल्डर्स पे अमाउंट्स इन एडवांस, व्हेन द शेयर होल्डर्स पे द अमाउंट्स इन एडवांस, तब हमें यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना पड़ता है। अब देखो, जब आप लोग पैसे नहीं दोगे कंपनी को, जब आप लोगों का पैसा ड्यू हो जाएगा और कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंडर आ जाओगे आप लोग, तो कंपनी आपको ऐसे माफ नहीं करेगी। ऐसे तो सारे शेयर होल्डर्स कहेंगे कि भैया जब कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी इतनी लीनियंट है कि हम बाद में पैसा दे सकते हैं, तो हम लोग आज अलॉटमेंट पे पैसा क्यों दें, हम तो कॉल मनी पर जाकर पैसा दे देंगे। जब हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तब हम अलॉटमेंट का भी दे देंगे, फर्स्ट कॉल का भी दे देंगे। सारे के सारे शेयर होल्डर्स की यही थिंकिंग हो जाएगी। इस थिंकिंग को रोकने के लिए और कंपनी के पास एक सुपीरियर पोजीशन होने के लिए कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है अगर आप आज अपना टाइमली पैसा नहीं दोगे, आप एक महीने बाद दो महीने बाद कॉल के साथ अपना पैसा दोगे, तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करती है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे पास होता है जो इसका रेट, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो वेल एंड गुड, हम वही वाला रेट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा तो यहां पर हमें जो कंपनीज एक्ट ने इंटरेस्ट बोला हुआ चार्ज करने को, वो बोला हुआ है 10% पर एनम, साल का आप 10% के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। सेम वे कॉल्स इन एडवांस, अगर आपने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया तो कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट है, कंपनी उस पैसे पे इंटरेस्ट खाएगी या कंपनी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी, कंपनी उस पे एक प्रॉफिट कमाएगी, तो कंपनी को आपको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब कंपनी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देगी, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर जो हमारे पास बोल रखा है कंपनीज एक्ट ने, वो बोल रखा है 12% पर एनम। अब देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी ले आपसे 10% पर एनम रही है अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो, बट अगर आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, एडवांस में पैसा दे रहे हो, तो आपको 12% पर एनम मिल रहा है। पहली बार ऐसा उल्टा केस हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास है यहाँ पर एडवांटेज वाली पोजीशन है, नहीं तो हमारे पास जनरली उल्टा होता है, हमें मिलता कम है और हमें देना ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे, अब क्वेश्चंस के अंदर एंट्रीज कैसे कैसे होंगी वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी एंट्री बता देता हूँ, इंटरेस्ट की, कॉल्स इन एरियर की तो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, इंटरेस्ट की एंट्री आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और हम अपने पेज के दूसरी तरफ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, यहां पर हम लोग डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस।
तो एंट्री देखो, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है, तो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए कमाई है, तो कंपनी की बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी, इनकम साइड जाएगा। तो शेयर होल्डर से लेना है तो शेयर होल्डर्स को ना हम डेबिट डेटर्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कंपनी की कमाई का क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये कंपनी के लिए खर्चा है और कंपनी ने ये देना है शेयर होल्डर्स को, तो यहां पर शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स की तरह डील किए जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमने इनको ड्यू कर दिया, शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब ये तो हमने ड्यू की एंट्री कर दी दोनों केसेस में, अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी, हमें मिलेगा इंटरेस्ट, तो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कौन दे रहा है मेरे को यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो उनको मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। ये मेरे डेटर्स की तरह डील हो रहे थे, अब डेटर्स जब मेरे को पैसा दे देते हैं तो मेरे को उनको खत्म करना पड़ता है बुक्स में, तो मैं इनको क्रेडिट कर दूंगा। एंड यहां पर वाइसा वर्सा हो जाएगा हमारे पास कॉल्स इन एडवांस के केस में, यहां हमारे को देना है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी टू यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब हमारे यहां से कैश जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये हमारी दो एंट्रीज होती हैं, इन एंट्रीज को हम आगे अपने क्वेश्चन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही इकलौता क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एबी लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर था, पेबल एट ईच एट पार पेबल इक्वल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑन द टू कॉल्स, यानी कि बराबर बराबर अमाउंट आ रही है यहाँ पर, तो बराबर बराबर अमाउंट है, तो हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर यहाँ पर लिख देते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, 2 रुपी 4 कॉल्स थी, 10 रुपए का शेयर था और कह रहा था इक्वली पे किया जा रहा है, तो इक्वली है तो यानी कि ढाई ढाई रुपए सब पे आ जाएगा, प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है, पार का क्वेश्चन है, उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या कहता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5 लाख शेयर्स, वन एप्लीकेंट टू हूम 4800 शेयर्स वर अलॉटेड पेड इन फुल अमाउंट वाइल रेमिटिंग द अलॉटमेंट मनी, एंड अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। अब यहां पर देखो एक शेयर होल्डर था जिसको 4800 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए थे, 4800 शेयर्स जिसको अलॉट हुए थे, इसने हमें फुल अमाउंट दे दिया, कब, अलॉटमेंट मनी के साथ, यानी कि इसने अलॉटमेंट मनी के साथ हमें फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट दे दिया और सेकंड कॉल का भी अमाउंट दे दिया। और एक और शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई करे थे 5000 शेयर्स, तो ऊपर हमें अलॉटेड दे रखे हैं, नीचे हमें अप्लाइड दे रखे हैं, वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया था, फाइनल कॉल नहीं दिया था, तो आगे देखते हैं क्या होगा। द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू एंड ड्यू एज एंड वेन कॉल्ड अपॉन टू पे, बाकी शेयर होल्डर्स ने सारा का सारा पैसा टाइमली दे दिया था जब भी उनसे मंगवाया गया था। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्ड ऑन प्रो राटा बेसिस, कंपनी ने जो शेयर्स थे प्रो राटा बेसिस पे किए 5 लाख वालों को 4 लाख रुपए, तो यहाँ सॉरी 5 लाख शेयर होल्डर्स को 4 लाख शेयर्स दिए। तो यहां पर अगर हम अपनी इक्वेशन बनाए तो हमने 5 लाख शेयर्स वालों को 4 लाख शेयर्स दे दिए प्रो राटा पर, प्रो राटा पर हमने ये दे दिए यहां पर। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट, तो यहां पर इन्होंने डेट्स नहीं दे रखी, अब डेट्स नहीं है बट यहां पर इन्होंने मंथ्स दे रखे हैं, तो जो हमने पहली कॉल करी थी वो अलॉटमेंट के 3 महीने बाद करी थी, एंड द फाइनल कॉल वॉज मेड 5 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल हमने 5 महीने बाद करी फर्स्ट कॉल के। द कंपनी रिसीव द कॉल्स इन एरियर ऑन 4000 शेयर्स 3 मंथ्स आफ्टर द फाइनल कॉल बिकेम ड्यू, फाइनल कॉल जब ड्यू हो गई थी उसके बाद कंपनी को 4000 शेयर्स पर पैसे मिल गए थे विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में मिल गए थे ऑन कॉल्स इन एरियर। जब भी पैसा ड्यू होता है कंपनी को पैसा मिलना होता है तो वहां पर कॉल्स इन एरियर बन जाता है और कॉल्स इन एरियर पर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट दे देते हैं। द कंपनी पेड द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन द डेट ऑफ फाइनल कॉल, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज भी पूरी कर दी, कंपनी को हमें शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना था, कंपनी ने वो भी दे दिया, कब दे दिया, फाइनल कॉल के टाइम पर दे दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अज्यूम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट 10% पर एनम एंड ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम, अगर ये लास्ट लाइन नहीं भी दी होती तो भी हमें यहां पर 10% और 12% के हिसाब से ही लेना था,
तो यहाँ पर हम लोग अपनी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, हम लोग फॉर्मेट में डालते हैं जर्नल एंट्रीज एक एक करके और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक नीचे टाइमलाइन बना लेते हैं क्योंकि मंथ्स में डेटा दिया हुआ है हमारे पास, तो यहीं पर मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ और टाइमलाइन में देखते हैं कितने कितने मंथ्स बाद हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं खड़ा हूं आज 0 दिन पर, तो 0 मंथ्स पर जब मैं खड़ा हूं तो यहां पर हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री होगी, इधर हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आएगी एप्लीकेशन की। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमने अलॉटमेंट कितने टाइम बाद करा, तो क्वेश्चन के अंदर द रिमेनिंग द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस द फर्स्ट कॉल वॉज मेड 3 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट डेट। तो यानी कि अलॉटमेंट के बारे में भी नहीं बोला हुआ, एप्लीकेशन के कब बाद दिया हुआ है, तो मैं मान के चलता हूं कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने 0 मंथ्स पर ही किया हुआ है। फिर कहता है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट हमने क्या करा, 3 महीने बाद हमने फर्स्ट कॉल करी। तो यानी कि जो ये हमारे पास बीच में टाइम पीरियड है ये हमारे पास 3 मंथ्स का है। तो जब मैं यहां पर 3 मंथ्स पर हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं अपनी फर्स्ट कॉल और 3 मंथ्स के फर्स्ट कॉल के भी 5 महीने बाद मैं अपनी कर रहा हूं फाइनल कॉल। तो यहां पर मैं 8th मंथ पे खड़ा हूं, 8th मंथ यहां पर जो मेरे पास बीच में गैप आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास 3 मंथ्स का, इधर जो मेरे पास बीच में गैप आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास 5 मंथ्स का, और यहां पर मेरी हुई है सेकंड कॉल या जो मेरी फाइनल कॉल है। अब आगे एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपनी, यहां से देखो आप मेरे साथ साथ पढ़ो, द कंपनी received calls in arrear on 4000 shares 3 months after the final call became due। तो यानी कि 3 महीने final call के भी बाद, तो final call के बाद के 3 महीने हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि इधर बात कर रहा है ये हमसे, final call के 3 महीने बाद, इधर अगर मैं बात करूँ यानी कि 11th month, बीच में ये मेरे पास 3 months का period आ गया इधर, यहां पर हमारे को कॉल्स इन, ये देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें मिल गया। तो यहां पर हम लोग अपना लिख सकते हैं रिसीव्ड अमाउंट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, रिसीव्ड अमाउंट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी जो यहां पर आ जाएगी वो आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ₹2.5 के हिसाब से हो जाएगी और ₹2.5 के हिसाब से हमारे पास कितने शेयर्स थे, ये हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी, 4 लाख, और हमें 5 लाख एप्लीकेशंस मिली थी, तो हमें 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करना पड़ेगा यहां पर, और ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी ये आ जाएगी ₹12.5 लाख। अब हम शेयर एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो सेकंड एंट्री आएगी यहां पर वो आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल में हम 4 लाख के हिसाब से ही अमाउंट डाल सकते हैं, बाकी का अमाउंट कहां जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको आगे एडजस्ट कर देंगे। और आगे कहां पर एडजस्ट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस में, यहां पर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी खोल सकते हो और यहां पर आप शेयर अलॉटमेंट भी डाल सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, प्लीज इस बात को मिस मत करना, एप्लीकेशन पे हमें जो भी पैसा एडवांस में मिलता है हम इसको कॉल्स इन एडवांस में नहीं कंसिडर करते। क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इस टाइम पर हमारी एडजस्टमेंट हो रही होती है पैसे की, यहां पर कई बार पैसे कम ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा है, प्रोसेस ही ऐसा है। कई बार शेयर होल्डर को लगेगा कि मेरे को जितने शेयर्स में अप्लाई कर रहा हूं उतने मिल जाएंगे, बट नहीं मिल पाते, तो इसके यही पैसे हम आगे एडजस्ट करते हैं। तो ये तो प्रोसेस ही ऐसा ना, नेचर ही ऐसा, इसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तो कई बार होगा, तो कंपनी यहां पर जबरदस्ती नुकसान में आ जाएगी अगर यहां पर कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देने लग जाएगी। तो यहां पर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं खोलोगे, यहां पर आप सीधा सीधा इसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दोगे। तो हमारे पास जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलता है फिर कब खुलता है, वो अलॉटमेंट या उसके बाद खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा और हमारे पास यहां जो अमाउंट जाएंगे, इधर तो हमारे पास वही 5 लाख इंटू ढाई,
देन हमारे पास यहां पर आ जाएगी 4 लाख इंटू 2.5, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख इंटू 2.5। तो हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 12 लाख 50 हजार, इधर आ जाएगा हमारे पास 10 लाख, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 लाख 50 हजार रुपए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास थर्ड एंट्री जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आ जाएगी 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ये मेरे पास 10 लाख ईच हो जाएगा, 10 लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। अब हमें करनी है अपनी रिसीव्ड की एंट्री, कितना पैसा हमें रिसीव हुआ और कितना नहीं रिसीव हुआ। अब उसके लिए जो नहीं रिसीव हुआ हम खोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और अगर हमें कोई आगे वाली कॉल्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा उसके लिए हमें यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास डेबिट साइड में सबसे पहले तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमें मिला वो चला जाएगा बैंक अकाउंट में, जो पैसा हमें नहीं मिला वो हमारे पास चला जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसा पैसा है जो हमें नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यहां पर कहता है वन एप्लीकेंट टू होम 4800 शेयर्स वर अलॉटेड पेड इन फुल वाइल रेमिटिंग द अलॉटमेंट मनी। तो इसने अलॉटमेंट के टाइम पर आगे वाली कॉल्स का भी पैसा दे दिया, यानी कि ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस है, बट अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर देखते हैं, अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो यानी कि ये भी फाइनल कॉल इसने फेल किया देना, बट यहां पर हमारे पास कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं अपना बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, क्रेडिट में मैं यहां पर डालूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बैंक अकाउंट में मेरे पास कितना पैसा आएगा, जितना मैंने ड्यू किया था, ड्यू मैंने यहां पर किया था 10 लाख रुपए, 10 लाख में से मेरे पास क्या नहीं आया पैसा, मेरे पास यहां पर 10 लाख रुपए में ये वाला पैसा जो मैं ऊपर ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूं अलॉटमेंट में, ये नहीं आएगा मेरे पास। तो 10 लाख में से मैं अपना यहां पर 2.5 लाख माइनस कर दूंगा, और मैंने पीछे पढ़ा था एक शेयर होल्डर था जो कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही रहा है साथ में एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहा है, कौन है वो, जिसको हमने 4800 शेयर्स अलॉट करे थे। तो 4800 शेयर्स जिसको अलॉट हुए थे वो मेरे को आगे वाली दो कॉल्स का भी पैसा दे रहा है, आगे वाली मेरी दो कॉल्स हैं 2.5 रुपए की, तो यानी कि 4800 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ जाएगा 24000 रुपए। तो ये 24000 रुपए मेरे को यहाँ पर और मिल रहे हैं, तो ये 24000 मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और ये मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगी 7,50,000 प्लस 24000, 7,74,000। अब शेयर कैपिटल में कितना डाल सकता हूँ, शेयर कैपिटल में तो मैं फेस वैल्यू ही डाल सकता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर फेस वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे पास, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर शेयर कैपिटल लिख दिया, दिस इज शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर हमारे पास आएगा शेयर अलॉटमेंट, माई मिस्टेक। तो शेयर अलॉटमेंट में मेरे पास कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा अमाउंट, हमारे पास जो यहां पर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, देखो यहां पर 4 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 रुपए से, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5, जिसमें से हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसे 2.5 लाख रुपए। तो यहां पर तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 7,50,000 रुपए। तो अभी हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है आगे वाली कॉल्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे को यहाँ पर डालना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला अकाउंट खुला कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस का मेरे पास जो पैसा आया हुआ है वो आया हुआ है 24,000, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24,000 रुपीज। सो दिस इज माई एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोगों को अपना ड्यू करना है शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू तो मैं पूरे से करूंगा, और पूरा यानी कि 4 लाख रुपए से, सॉरी 4 लाख शेयर से, 4 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपए, तो ये हमारे पास 10 लाख की हो जाएगी अगेन एंट्री, 10 लाख और 10 लाख, हमारी सारी ड्यू की एंट्री 10 लाख से ही होंगी क्योंकि 2.5 रुपए मंगाए हुए हैं हमने। अब हमें यहां पर रिसीव करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमें एक तो पैसा मिलेगा यहां पर, कितना पैसा मिलेगा, जितना हमने मंगवाया माइनस जो इंसान हमें पहले ही पैसा दे चुका है, तो
तो जो पहले ही पैसा दे चुका है उसके लिए यहां पर क्या करूंगा, उसके लिए यहां पर मैं खोलूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि हमें यहां पर ऑलरेडी पैसा दे चुका था, तो जो भी मेरे पास पैसा आएगा कहां जाएगा, या तो बैंक अकाउंट में जाएगा या फिर कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास मिल चुका था पैसा 24,000 रुपए, तो वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में मैं यहां पर लिख दूंगा 24,000 रुपए। 24,000 रुपए सॉरी, मेरे पास दो कॉल्स का था, मेरे को एक ही कॉल का लिखना है, तो यहां पर जो मेरी अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 2.50 और टू शेयर कैपिटल। क्या कोई डिफॉल्टर है यहां पर हमारे पास? टू शेयर सॉरी अगेन टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या हमारे पास यहां पर कोई डिफॉल्टर है? अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में मेरे पास जो पैसा आना था इधर वो मेरे पास आएगा, लेट सी कितना पैसा आएगा मेरे पास, 10 लाख रुपए आना था, 10 लाख में से ऑलरेडी मेरे पास 12,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये अमाउंट जो है मेरे पास 12,000 रुपए आ रही है, तो ये 12,000 तो मेरा यहां पर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। क्या कोई डिफॉल्टर भी है यहां पर? लेट सी, कहता है अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 5,000 फेल टू पे द फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, तो फर्स्ट कॉल पे बस यही अमाउंट आ जाएगी हमारे यहाँ पर, और ये हमारे पास आ जाएगी 9,88,000 और क्रेडिट साइड पर हमारा आ जाएगा 10 लाख रुपए। सो दैट्स ऑल, और हमारे पास यहाँ पर मेरे कोई डिफॉल्टर नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई डिफॉल्टर नहीं है। अब हम अपनी अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल की। तो शेयर सेकेंड कॉल को ड्यू करते हैं हम लोग, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर हमारे पास जो एंट्री होगी वो भी अगेन वही हो जाएगी 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.50 और ये हमारे पास अमाउंट होती है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख 10 लाख। अब इस अमाउंट को हम लोग रिसीव करेंगे, तो जब हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे तो मेरे पास यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहां पर भी एक इंसान जो अलॉटमेंट पर ऑलरेडी कॉल का पैसा दे चुका था, तो यहां पर वो पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, तो उसकी जगह हम यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि इसका पैसा हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। क्या यहां पर कोई डिफॉल्टर था? फाइनल कॉल पर एक डिफॉल्टर था जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, यहां पर मेरे को एक डिफॉल्टर दिख रहा था, हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो यहां पर अगर मैं अप्लाइड अपॉन अलॉटेड की रेशो निकालूं अपनी सबसे पहले, तो ये यहां पर मेरे पास रेशो जो आ रही थी 5 लाख वालों को हम लोगों ने 4 लाख दिए थे, तो जिसने 5,000 अप्लाई करे थे न्यूमरेटर में उसको अलॉट कितने हुए होंगे, एक्स हुए होंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेरे को करने की भी जरूरत नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दूंगा, उसको 4,000 शेयर अलॉट हुए थे, तो इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जो भी हमारे को पैसा नहीं मिलता कंपनी को, वो कहां पे जाता है? वो सीधा सीधा हमारे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी मेरे को यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों को डेबिट क्यों किया हुआ है। देखो यहां पर जो पैसा मिलना था, ये सारा का सारा पैसा ना हमें मिलना था, तो जो पैसा मिला वो तो हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया, जो पैसा नहीं मिला वो हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल दिया, और जो पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका था तो कॉल्स इन एडवांस को मैंने पहले यहां पर देखो क्रेडिट किया था। ये पहले का पैसा है जो अब आगे आ रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस का जब भी हमें एडवांस में पैसा मिलता है जनरली हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बट जब हम इस पैसे को आगे जाकर कहीं एडजस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहां पर एडजस्ट कर रहा हूं अपनी इस एंट्री में यहां पर, तो इधर मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा 9,78,000, ये मेरे पास आ जाएगा 12,000 रुपए और कॉल्स इन एरियर में 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इधर आ जाएगा मेरे पास 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 और बैंक अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास बचा कुचा पैसा, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपए और इधर हम क्रेडिट साइड पर क्या लिख देंगे, टू शेयर सेकंड कॉल जो कि हमारी थी 10 लाख रुपए की। अब क्या करें, अब तो हमने सारी एंट्रीज कर दी, यहां पर कोई फोर फीचर की भी एंट्री नहीं है, रीशो की भी एंट्री नहीं है, बट यहां पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज है, हमें वो एंट्रीज यहां पर करनी पड़ेंगी अपनी, तो आओ वो वाली एंट्रीज करते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में हुआ था ना, वो कॉल्स इन एडवांस हुआ था, कॉल्स इन एरियर्स बाद में आया था। तो पहले हम कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री मैंने आपको पीछे बताई थी, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो हमारे पास एंट्री हो जाती है शेयर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंस टू, यहां पर क्या लिखूंगा, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहां पर इसकी कैलकुलेशन अब हमें देखनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन कितनी आएगी। तो कैलकुलेशन के लिए हम अपनी नंबर लाइन पर चलते हैं एक बार जरा। तो हमें यहां पर कॉल्स इन एडवांस का पैसा कब मिला था, कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पर मिला था, यानी कि इधर जीरो मंथ पर हमें मिला था। तो जीरो मंथ से लेकर के तीन महीने तक कितना पैसा मिला था यहां पर हमें, यहां पर हमें मिला था 12,000 प्लस 12,000, यानी कि 4,800 शेयर्स पे हमें दोनों कॉल्स का पैसा मिला था। दोनों कॉल्स का पैसा मैंने इंडिविजुअली लिख दिया यहां पर, ये हमारे पास फर्स्ट कॉल का और ये हमारे पास यहां पर सेकंड कॉल का पैसा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने, यानी कि मैंने, जो हम कंपनी है, हम लोगों ने कितने टाइम तक होल्ड किया, हमने ये पैसा यहां पर थ्री मंथ्स के लिए होल्ड किया। तो यानी कि हमारे पास 12,000 रुपए पे हमें 3/12 मल्टीप्लाइड बाय कितना देना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, 12%। तो एक अमाउंट तो ये आ जाएगी, प्लस साथ में एक तो ये फर्स्ट कॉल निपटा दिया हमने, सेकंड कॉल का जो पैसा था, सेकंड कॉल का पैसा हमारे पास चला था यहां पर 8 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए। तो इसके ऊपर आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/12 मल्टीप्लाइड बाय 12% पर एनम। यहां पर मेरे को मंथ्स कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पर एनम के हिसाब से दे रखा है। तो यहां पर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे फटाफट से। तो ये मेरे पास यहां पर अमाउंट आ जाएगी 120 × 3 360 रुपए, और यहां पर नीचे आ रही है मेरे पास अमाउंट 120 × 8, तो ये 120 × 8 मेरे पास होती है 960 रुपए। तो 360 प्लस 960 ये आ जाता है मेरे पास 1,320 रुपए, 1,320 और 1,320। अब यही पैसा हम लोग इनको दे देंगे, तो यहां पर पैसा देने की एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हम इनको पैसा देंगे तो 1,320 और 1,320, दैट्स इट। अब हमारे को कॉल्स इन एरियर का पैसा मिला कब, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल्स इन एरियर का पैसा मिला, जो कि हमने अपने नंबर लाइन पर भी बनाया था। कहां गई हमारी नंबर लाइन, ये रहा, रिसीव्ड अमाउंट ऑन कॉल्स इन एरियर 11th मंथ में। तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, जो पैसा हमें मिला कॉल्स इन एरियर पे, तो जो पैसा मिला उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहां पर आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, तो कॉल्स इन एरियर का जो पैसा मिला साथ में इंक्लूडिंग हमें मिला था इंटरेस्ट का पैसा, तो चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, या फिर मैं चाहूं तो अलग से एंट्री करूं पहले ड्यू की और फिर रिसीव की। तो यहां पर कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा, अलग अलग एंट्रीज करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा। और तो अगर आप हमारी ये वाली एंट्री में देखोगे, इधर ये जो हमारी एंट्री थी कॉल्स इन एरियर वाली, कितना पैसा एरियर्स में था, हमारे पास जो पैसा एरियर्स में था कॉल्स इन एरियर्स 4,000 × 2.5 यानी कि 10,000। ये 10,000 वाली अमाउंट हमारे पास अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो हमें 11th मंथ में मिली थी, 8th मंथ में ड्यू हो गई थी और हमने 8th मंथ में पे नहीं किया था, 11th मंथ में मिला था। तो यानी कि कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 3 महीने का। तो अगर मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट निकालता हूं 10,000 के ऊपर 3 महीने का, 10,000 × 10% हमारा रेट था मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास बचता है यहां पर 1,000 रुपए, 1,000 का भी 1/4 कर लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 250 रुपए यहां पर। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी इधर, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट 10,000 तो हमें मिलेगा कॉल्स इन एरियर के नाम का और 250 रुपए हमें मिलेगा इंटरेस्ट, तो 10,000 हमारे पास यहां आ जाएगा और 250 रुपए हमारे पास इंटरेस्ट में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, जनरली एग्जाम में नहीं आता है बट स्टिल हमारे अपने कोर्स का पार्ट था तो करना था। तो इसका एक क्वेश्चन बहुत है ये वाला, एक क्वेश्चन आप अपना खुद से प्रैक्टिस कर लेना। If you have any doubts, call me, message me and I'll help you out there. Thank you for watching the video. See you in the next one. Bye bye. Take care.